Hello friends, my name is Krishna and this is revision video 2. मैंने एक वीडियो पहले से डाला था जहां पर हमने रिवीजन ऑफ फंडामेंटल एंड फील्ड ऑफ थिंग्स विद इट. आज के रिवीजन वीडियो इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स. इनफैक्ट आईएससी स्टूडेंट्स कैन आल्सो सी दिस बिकॉज यहां पर जो मैं टॉपिक्स लेने वाली हूं दे आर ऑल कॉमन टॉपिक्स. तो लेकिन क्वेश्चन पेपर सिर्फ सीबीएसई का लिया जाएगा, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द बोर्ड पेपर जिसका जहां जहां पर मुझे लगेगा सोल्यूशन करना जरूरी है मैं सोल्यूशन करूंगी एंड जहां पर मुझे लगेगा डायरेक्टली आपको आंसर दिखाकर आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आई बी डूइंग दैट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, सो दिस इज वन ऑफ द बोर्ड पेपर. हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे जहां जहां मुझे लग रहा है गुड क्वेश्चन आई पिक अप दोस गुड क्वेश्चन, ठीक है. पहला है एमसीक्यूज एंड सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट, इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड व्हिच अकाउंट विल विड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड. अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड इन व्हिच अकाउंट will the withdrawal of capital will be recorded. जैसे ही हम withdrawal पर word पढ़ते हैं normally हमारे दिमाग में आता है drawings. लेकिन इस question को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. And what is written over here? Withdrawal from capital. Withdrawal from capital and partners capital accounts are fixed. पहली बात तो एक बार जल्दी से concept recap कर लीजिए. जब भी fixed capital account होता है ये fundamental chapter का you know concept है. Fixed capital account में there are two types of accounts maintained by the partner. One is capital account जहाँ पर only few entries come. That is, अगर आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो दैट ओपनिंग बैलेंस कम्स ओवर हियर. अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है इसका मतलब किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो वो आता है क्रेडिट साइड में वी राइट बाय बैंक. और अगर किसी पार्टनर ने परमानेंट कैपिटल विड्रॉल कर लिया है विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, ठीक है. यहाँ पर ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेम्युनरेशन शेयर एंड प्रॉफिट ऑल दोज एंट्रीज डू नॉट कम. वो सारी की सारी एंट्रीज कहाँ जाती है करंट कैपिटल करंट अकाउंट में जाती है. तो दो सेट ऑफ अकाउंट वहां पर मेंटेन किए जाते हैं. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में यू नो एंट्रीज आई टोल्ड यू ओनली दोस एंट्रीज आर इनकॉर्पोरेटेड रेस्ट ऑल थिंग्स आर कैरीड फॉरवर्ड टू द यू नो कैरीड फॉरवर्ड नहीं आर इनकॉर्पोरेटेड इन करंट अकाउंट. और अगर हम फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ एक ही कैपिटल एक ही अकाउंट होता है जिसके अंदर विड्रॉल ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल आईओसी आईओडी रेम्युनरेशन कमीशन एवरीथिंग, ठीक है. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स इन अंडर वन अकाउंट ओनली विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. वहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो यहाँ पर तो आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है that it is going to be capital account only because it is what it is withdrawal of capital. अगर withdrawal of drawing यहाँ पे withdrawal against profit लिखा होता मतलब कि जो normal वाली drawing होती है वो लिखा होता तो हमारा answer होता current account हो जाएगा, ठीक है. चलो अब क्या करते हैं हम जल्दी से जाके इसका answer check कर लेते हैं, ठीक है. इसका answer कहाँ पर है ये रहा इसका answer मेरे सामने यहाँ पर partners capital account, ठीक है. तो आप साथ साथ में जब भी MCQ करेंगे या ऐसे short answer type question करेंगे अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते जाएंगे. सो दिस विल बी द बेनिफिट टू योर यू नो दिस वीडियो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मीरा मायरा एंड नीरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. They decided to share future profits in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2019. The balance sheet as on that date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account. ठीक है, तो ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन. जहां पर किसी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ ये सब नहीं हो रहा है पार्टनर्स आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं, ठीक है. चेंज इन पीएसआर फंडामेंटल के बाद वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है. उस समय क्या हो रहा है देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या काइंड ऑफ फिक्टिशियस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है. वो दिखाई दे रहा है द अमाउंट इज टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा मायरा एंड नीरा फॉर विड्रॉइंग राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है. तो वो अमाउंट पूछ रहे मतलब इन शॉर्ट आपसे रेशियो पूछ रहे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले तो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग ऑफ एंड यू नो डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लियर कर लेते हैं एक बार. क्या होता है जितने
भी accumulated profits होते हैं, losses, वो सारे के सारे partners को distribute किए जाते हैं. Accumulated profits and losses क्या होते हैं? जैसे कि free reserves, general reserve है, या फिर you know reserve fund लिखा हुआ है, या फिर WCR लिखा हुआ है. WCR का rule जो है, WCR के against कोई liability है तो पहले आप उसको set off करेंगे, then बचा हुआ workmen compensation reserve distribute किया जाएगा among the partners. IFR, investment fluctuation reserve, तो investment की market value में जितने fluctuations हुए हैं उनको incorporate करेंगे and then rest will be distributed among the partners. अगर P&L का credit balance है, so that balance will be distributed among the partners. अगर P&L का debit balance है, तो उसको आप distribute करेंगे. कहाँ पर उसको आप distribute करेंगे? Partners distribute नहीं, उसका उसके लिए जो word use होएगा, that is going to be, उसको हम बोलेंगे राइटिंग ऑफ. राइटिंग ऑफ किस किस चीज की होती है? राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह की होती है, गुडविल जो होता है वो राइट ऑफ कर दी जाती है. तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं. तो क्वेश्चन ने खुद ही हमें ये वर्ड यूज करके बताया है राइटिंग ऑफ. क्यों? क्योंकि दिस इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट इज वन ऑफ द फिक्टिशियस एसेट. यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है राइट ऑफ करना है, लेकिन हमने अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज कर लिया. अभी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब हमें वर्क करना है रेशियो पे कि कौन सा रेशियो हम लेने वाले हैं यहाँ पे. आर वी गोइंग टू डू इट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? सो द आंसर इज गोइंग टू बी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2:2:1. ठीक है, फटाफट से मैं कर लेती हूँ. आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बिकॉज आई एम टू यूज्ड टू ऑफ यूजिंग द कैलकुलेटर, विच इज वन ऑफ माई वेरी बैड हैबिट. मुझे इसे ओवरकम करना है, कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं धीरे धीरे अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करूँ, लेकिन ऑब्वियसली इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. ठीक है, तो चलिए 2:2:1 में मतलब कि 18, 18 and 9. तो 18, 18 and 9 तो पहला ही वाला दिख रहा है. चलो चलते हैं और अपना आंसर चेक करके आते हैं. ये रहा मेरा आंसर यहाँ पर. यस, मीरा, मायरा एंड मीरा, आंसर है 18, 18 and 9. ऑब्वियसली जितना भी हम लोग प्रॉफिट यू नो पुराने वाले प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है. सो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, मोना एंड टीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. नीना वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. एट द टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 32,000. देखो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, दे आर जजिंग यू ऑन वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. ये WCR, IFR, ये आप लोग बिल्कुल फंडामेंटल में इनिशियली एडमिशन वगैरह में, चेंज इन PSR में पढ़ते हो. ठीक है कि क्या करना होता है इनका. अब आप क्या करोगे, आपको मालूम है कि नया वाला जो पार्टनर आता है, ये 1/6 शेयर के लिए नैना को एडमिट किया, वो तो इररिलेवेंट ही हो गया. अभी आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, पहले मैं वो कंप्लीट कर दूं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर 32,000 एंड द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट 40,000. एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर रिजर्व विल बी व्हाट, वेयर इट विल बी टेकन. ठीक है, वो तो कहाँ ले जाएंगे, वो हम डिस्कस कर ही लेंगे. एक और चीज फटाफट से कॉन्सेप्ट हम जो रिवाइज कर लेते हैं, वो ये है कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है, एडमिशन के टाइम का बात हो रहा है, बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है, और अगर फर्स्ट केस की कोई भी, चलो लिख कर करते हैं इसको थोड़ा, केस नंबर 1. ठीक है, केस नंबर 1 जहां पर WCR इज देयर इन द बैलेंस शीट. ठीक है, लेट से 40,000 का WCR, ये मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, वहां पे 32 है, 40,000 का WCR है. केस नंबर 1 हम बोल रहे हैं नो क्लेम. नो क्लेम के केस में क्या होता है, जब कोई भी क्लेम नहीं है तो जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर को तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा. ओल्ड पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग देमसेल्फ इन ओल्ड PSR. ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, सो ओल्ड PSR के अंदर ये लोग सारा का सारा 40,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्यों पूरा 40,000 का अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? बिकॉज यहाँ पर कोई भी क्लेम ही नहीं है, तो उसमें से एडजस्ट करने की कोई बात ही नहीं आती. केस नंबर बी, अगर हम केस नंबर बी की बात करें कि WCR है आपका 40,000 का, एंड लेट से 30,000 का आपके पास क्लेम आ गया है. ठीक है, 30,000 का क्लेम आ गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री में लिखने रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जर्नल एंट्री बनेगी. WCR को आप डेबिट करोगे, कितने अमाउंट से डेबिट करोगे?
40,000 से टू क्लेम अगेंस्ट WCR लिखोगे 30,000 रुपीज टू पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, जिन पुराने पार्टनर्स ए बी सी तीन पार्टनर होते हैं, दो पार्टनर होते हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 10,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR। ठीक है ना? केस नंबर थ्री जो कि वहां पर दिया हुआ है। केस नंबर थ्री क्या है? आपका क्लेम जो है वो हो, ये आपका WCR है 40,000 का और क्लेम हो गया लेट से 45,000 का क्लेम हो गया। अब तो क्या हो गया है, अब तो 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम हो गया है, आपका WCR ही कम पड़ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जितना हमने किस लिए बनाया था, WCR बनाने का पर्पस ही यही था कि WCR बनाओ और अगर कोई यू नो क्लेम वगैरह होते हैं पार्टनर वर्कर्स के, तो उन वर्कर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए ये रिजर्व काम आ जाते हैं। लेकिन रिजर्व भी कम पड़ गया, वर्कमेंस का कंपनसेशन रिजर्व जो क्लेम वो है क्लेम आ गया वो 5,000 का आ गया। अब ये 5,000 कहाँ से देना पड़ेगा? वी कांट से ना वर्कर्स को कि 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आ गया, हमारे पास से रिजर्व नहीं था, हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये 5,000 कहाँ जाएगा? एडमिशन का केस है यहाँ पर, तो ये 5,000 रुपीज कहाँ जा रहा है? रिवैल्युएशन अकाउंट में इसको लेके जाएंगे। किस तरफ लेके जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद करें मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, हिंदी में भी लिख के बताया था कि जितना नुकसान वो सब डेबिट और जितना फायदा वो सब क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, देखो तो इस तरह से हमने कितने अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। अब जब भी एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे, शॉर्ट आंसर सॉल्व करने बैठेंगे, आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ में सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यही वाला केस था केस नंबर थ्री की, क्लेम ज्यादा था और रिजर्व कम था हमारे पास। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड इट वंस अगेन। यहाँ पर 32,000 का WCR था, 32,000 का WCR था और जबकि क्लेम हो गया 40,000 का, मतलब 8,000 का एक्सेस क्लेम हो गया। एक्सेस क्लेम इज 8,000 रुपीज, कहाँ से लेंगे? क्रेडिट? नो, ये कोई फायदा थोड़ी ना है। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट? यस। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बिल्कुल नहीं। डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट? बिल्कुल नहीं। द राइट आंसर इज बी। लेट्स गो एंड चेक आवर आंसर। ये रहा हमारा आंसर, मोना टीना डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, दिस इज अवर आंसर, बिल्कुल सही आंसर हम लोगों ने कर लिया। चलो लेट्स गो बैक ओवर देयर एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।